आज मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो गया तो है एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कामना एक्सपर्ट में। तो आज मेरा सच में ना काम थोड़ा जल्दी हुआ है, और आज क्या हुआ, सुबह सुबह मैं नहा वहा भी ली हूँ, तो क्या हुआ ना कि आज मैं साड़ी पहनी, तो मैं सोची कि चलो एक छोटा सा वीडियो बना के आप सभी के साथ में शेयर भी करती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं भी आ गई किचन में, काम तो जरूर खत्म हो गया था लेकिन काम सच में नहीं खत्म हुआ है पूरा। तो मैं आ गई किचन में, भाई बनाना था थोड़ा सा, पूड़ी तलना था, तो मैं फटाफट से पूड़ी तली और लंच के लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं चाय वाय ले गई, तो मैं सोची चलो नहा वाली हूँ और चाय भी पी ही लेती हूँ, तो अपने लिए चाय बनाई। और चाय के साथ मुझे कुछ चाहिए होता है, तो बहुत दिनों से मैं पापड़ नहीं खाई थी, तो मैं पापड़ थोड़ा सा फ्राई कर ली और साथ में लाल चाय। तो सुबह सुबह क्या होता है ना कि मैं लाल चाय ही पीती हूँ और नींबू वाली। वैसे हमको लगता है सबको ही पीना चाहिए, लाल चाय अच्छा होता है, दूध वाली इतना तो नहीं होना चाहिए, नहीं मतलब होता है सुबह सुबह नहीं अच्छा लगता है सबके अपनी चाय से। तो क्या हुआ कि मैं आज बनाई खाने में छोला भटूरा, खाने में नहीं नाश्ते में। तो फिर मैं क्या की कि अभी टाइम हो गया है तो पैक कर रही हूँ, सबके बाबू और हस्बैंड जी चले गए हैं ड्यूटी और भी भाई है, तो मैं उसका पैक कर रही हूँ। और फिर मैं चाय वाय अपना ली के आ गई रूम में। मुझे क्या होता है ना कि चाय हो या कोई मतलब खाने पीने की, मतलब चलते फिरते खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो लगता है थोड़ा सा तसल्ली से खाओ तो अच्छा लगता है बैठ के। और इसमें जो चाय अगर ना क्या आता है ना कि मैं अगर दिन भर काम करूँ, मैं दिन भर नहीं पी सकती हूँ चलते फिरते, और मुझे बैठ के ही होता है पीने का काम, अच्छा लगता है बस ये होता है। तो मैं आई छत में चाय वाय पीने के बाद, दोपहर का टाइम था, थोड़ा कपड़ा भी था, तो मैं लेके आई गई कपड़े को छत पे डाली। और साथ में इधर मौसम बहुत अच्छा, धूप बहुत तेज से निकली हुई है, और ये हमारे पौधे जो देख सकते हैं ना, मैं इसको आजकल हरा भरा रखती हूँ, अगले साल मैं इसको सुखा देती क्योंकि मैं गांव गई थी ना इसकी वजह से सूख गया था, इस बार नहीं गई ना, तो ये लोग भी बहुत अच्छे हैं। और इन मतलब छत में आने के बाद ना जैसे पौधा रहता है तो देखो तो अच्छा ही लगता है, और मेरे पौधे आजकल फूल अच्छे निकल रखे हैं पौधों में, तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैं सोची आप सभी के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो क्या हुआ कि मैं फिर छत से आई, फिर मैं सो गई, फिर बाबू को लेके आई, तो खाना वाना बाबू को खिलाना और खुद भी खाई, तो खुद तो नहीं खाई क्योंकि आज उनको खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं नहीं खाई, बाबू को सिर्फ बाबू ने खाया। और उसके बाद मैं चाय बनाई। तो क्या होता है मुझे सच बताओ, मैं जब भी चाय वाय बनाती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा चम्मच चम्मच से टेस्ट कर लेती हूँ, सोचती हूँ ना किसी को देने से पहले खुद टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ कम बेसी होगा तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं ना। तो क्या ऐसा सही होता है कि नहीं होता है, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद आज हस्बैंड जी का फास्टिंग था, उनके लिए मूंगफली फ्राई की, और चाय में ना सच में टेस्ट की ना तो नमक क्या हुआ, सॉरी नमक नहीं चीनी कम था कुछ भी बोल दो बात करते करते, तो मैं क्या होता है कि नमक नहीं चीनी कम था चाय में, तो मैं क्या की थोड़ा सा चीनी एडजस्ट की। और उसके बाद हस्बैंड जी को और बाबू का ट्यूशन टीचर को जो आते हैं उनको लिए चाय दी और खुद भी पी। तो आप सभी जरूर बताइएगा कि ऐसे मतलब टेस्ट करना बीच में अच्छा होता है नहीं होता है। तो मैं फिर लेके जा रही हूँ हस्बैंड जी के लिए। और आपको सभी को हमारी ये वीडियो आज की कैसी लगी जरूर बताइएगा, ये जनाब आराम फरमा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक कमेंट कीजिएगा, जब तक के लिए बाय बाय।